उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से कुंभ में होने वाली कैबिनेट बैठक में जाने से इनकार किया है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ये स्थिति क्यों आई, हम खुद ओम प्रकाश राजभर जी से बात करते हैं। राजभर जी, आखिर में कुंभ में ना जाना, बैठक में, कैबिनेट बैठक में हिस्सा ना लेना, कैबिनेट मंत्री हैं और जनता की बात आप करते हैं, जनता के लिए ही फैसले होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री होने के नाते इस बैठक से दूरी क्यों बनाई? देखिए, जनता के हित में जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया सरकार बनाने के पहले कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे, हम 22 महीने से कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास का नारा जो चल रहा है उसमें अभी आपने देखा कि 48 घंटे के अंदर गरीब सवर्ण को आरक्षण का बिल ना कोई कमेटी बनी ना आयोग बना और 48 घंटे में पास हो गया। और देश के हर प्रदेशों में 10 दिन के अंदर कैबिनेट में प्रस्ताव आके पास हो गया। पिछड़ों में भी गरीब हैं, दलितों में भी गरीब हैं, तो पिछड़ों के लिए जो आयोग ने रिपोर्ट दिया है, आप आयोग बना बैठा लिए, आयोग ने जो रिपोर्ट दिया कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा तीन कैटेगरी बनाने की पेशकश किया है, तो उस रिपोर्ट को कैबिनेट में ले आने के लिए हम कहते कहते थक जा रहे हैं, नहीं ले आ रहे हैं। तो उस कैबिनेट में जब पिछड़ों के हित की चर्चा ही नहीं होगी तो वहां जाने से क्या मतलब है? हमें गाजीपुर में अरे 10,000 की भीड़ थी और वहां एक नारा हम शुरू किए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल पहुंचा दिए, 27% आरक्षण में विभाजन ना भई तो भाजपा गई, ये नारा लगा दिया और खूब चर्चा में है ये नारा। तो आज कैबिनेट बैठक से दूरी है तो कार्यक्रम क्या होगा? आज हम अपनी पार्टी की बैठक रखते हैं बनारस में, बनारस जिले के कमिश्नरी, जिले के साथ साथ कमिश्नरी के लोगों को भी बुला रखा है और 24 तारीख के कार्यक्रम की तैयारी और कमिश्नरी में हमारे कौन कौन पहलवान कहां कहां जोर अजमाइश करेंगे इसकी भी चर्चा। 2019 को मंथन, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी ने एकदम दो टूक कर दिया है कि 25 फरवरी की जो बैठक होगी वो कार्यकर्ताओं की, उसके बाद ये नतीजा साफ हो जाएगा कि ये सरकार में रहेंगे या नहीं रहेंगे, और आज जिस तरह से कुंभ में होने वाली बैठक का इन्होंने विरोध किया है उसके बाद राजनीतिक महकमे में काफी हलचल देखने को मिल रही है। गोपाल जी, पीटीवी वाराणसी।